है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और पिछले वाले ब्लॉग जो मैंने डाला था, बहुत दिनों के बाद डाला था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो गाइस, इसीलिए आप सभी को थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ। तो गाइस, अभी 10:30 बज चुका है, अब मैं ये ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ और मैं रेडी भी हो चुका हूँ। एक बढ़िया सी जगह पर हम जा रहे हैं, हिस्टोरिक जगह पर जा रहे हैं, आपको भी मैं दिखाता हूँ। अब मैं जाऊंगा अब शुभंकर के घर पर, और वहाँ से तुषार भी आएगा, और हम तीन लोग जाएंगे, और आपको भी दिखाता हूँ हम कहाँ पर जाएंगे। तो गाइस चले चलते हैं, पहले मम्मी जी के पास चलते हैं, क्या ब्रेकफास्ट बनाया है वो देखते हैं, उसके बाद चलते हैं हम शुभंकर के घर पर। मम्मी जी, ब्रेकफास्ट में क्या है? रोटी है, चिली गोभी है। रोटी और चिली गोभी यहाँ पर मम्मी जी ने सुबह सुबह बना चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चिली गोभी है, और माइक्रोवेवन से यहाँ पर रोटी भी आ चुका है। मस्त ब्रेकफास्ट करके आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, और नीचे भी मैं आ चुका हूँ। अब चलते हैं शुभंकर के घर पर, वहाँ पर जाकर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं शुभंकर के घर पर। तो आते ही पता चला है वो घर पर नहीं है, कहाँ पर गया है, अभी आ रहा है। तो देखते हैं वो आता है कब, और चलते हैं तुषार के घर पर। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर शुभंकर भी आ चुका है, पता नहीं कहाँ पर गया था, अभी अभी आया है और रेडी भी हो चुका है। और चलते हैं तुषार के घर पर, और वहाँ से चलेंगे एक बढ़िया सी जगह पर। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं हमारा लोकेशन पर, यह है हमारा म्यूज़ियम। तो चलने चलते हैं अंदर, अंदर जाकर दिखाते हैं कैसा है म्यूज़ियम, क्या क्या है अंदर। तो गाइस, हम लोग यहाँ पर अंदर आ चुके हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा सा खंभा है, ये क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन है यहाँ पर टावर, बहुत पुराना टावर है। और ये रहा पूरा म्यूज़ियम, आपको बाहर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर महाराज लोग आर्चरी वगैरह प्रैक्टिस करते हैं। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बोट है, यहाँ पर टूटा वाला मतलब बहुत पुराना बोट है, उसको थोड़ा कलर करके यहाँ पर रखा हुआ है। चारों तरफ यहाँ पर पानी है, वहाँ पर बोट रखा हुआ है। आगे के साइड कुछ और आगे के साइड कुछ और चीज़ है, हम चलते हैं वहाँ पर, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शुभंकर खड़ा हुआ है, और मनोरंजन अपना फ़ोन में लगा हुआ है। तो चलिए गाइस, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं बोट का आगे का हिस्सा, और उसके पास जाने की हम कोशिश करते हैं। अब वहाँ पर मनोरंजन और शुभंकर जा चुके हैं पास में, हम चलते हैं। इसके ऊपर नहीं जा सकते शायद, देखते हैं। जाना है उस पर, ऊपर ऊपर जाना है, मरना है। यहाँ पर पूरा पानी है, आप सब देख सकते हैं, ये सब ग्रास उग चुका है पानी के ऊपर, लेकिन ये पूरा पानी है। आपको दिखाता हूँ क्या पत्थर पत्थर है क्या यहाँ पर, पत्थर ढूंढने दो, आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखे, यहाँ पर मनोरंजन डाल रहा है, ये देखिए यार, तो कुछ नहीं कुछ बचेगा। पूरा पानी है अंदर, और ये रहा बोट, और अंदर भी बहुत सारे पुराने पुराने बोट है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक पार्क टाइप से है, वहाँ पर साइड में बैठने के लिए जगह भी है, बीच में फवारा, पानी का फवारा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत पुराना पुराना मशीन से यहाँ पर लगा हुआ है, जो अभी वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा टोप रखा हुआ है, जो पहले के ज़माने में जहाज़ में लगता था। और आप यहाँ देख सकते हैं ये वाला टोप, और ये है, आप रस्सी देखिए, सिर्फ रस्सी की मोटाई देखिए। अब यहाँ पर रस्सी देख सकते हैं, ये रस्सी की मोटाई आप देख सकते हैं। शुभंकर, शुभंकर, इस रस्सी को उठाकर दिखा।
आप देख सकते हैं रस्सी डायरेक्ट उस पानी में जा रहा है और यहाँ पर रस्सी भी लपेटे हुआ है, लपट क्या बोलते हैं, लिपटा हुआ है यहाँ पर रस्सी। देख सकते हैं कैसा मैकेनिज्म है इसका। यहाँ पर पहले के ज़माने में ये बहुत यूज़ होता था बड़े बड़े जहाज़ में, मतलब बड़ा वाला एक टोप आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे धूल जम चुका है, लेकिन ये भी बड़े बड़े जहाज़ में लगा है। यहाँ पर एक है और वहाँ पर एक है। तो अगर कहाँ पर बाहर आओ और फोटोशूट नहीं हुआ तो कुछ मज़ा नहीं आता। देखिए यहाँ पर फोटोशूट शुरू हो चुका है, शुभंकर का शुरू हो चुका है, अब मनोरंजन का भी होगा। वहाँ पर वो जो बोट है वहाँ पर भी फोटोशूट हो चुका है मनोरंजन का, अभी और फोटोशूट चल रहा है। और आप यहाँ पर व्यू एंजॉय कीजिए, पूरा एक बड़ा सा पार्क है यहाँ पर, और उसके अंदर भी हम जाएंगे, उस बिल्डिंग है उसके अंदर भी जाएंगे और दिखाएंगे बहुत सारे और भी प्लेसेस है यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर तो बहुत हमें मज़ा आ रहा है, अंदर अब जाएंगे, अभी बहुत सारे पुराने पुराने बोट्स देखेंगे, बोट्स के इक्विपमेंट देखेंगे। तब के टाइम तब मतलब यहाँ पर उड़ीसा में कटक में कैसे कैसे रिवाज होते थे तब वो भी दिखेंगे वहाँ पर, और एक उड़ीसा का वहाँ पर एक मैप भी रखा हुआ है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पर। पर एक मंदिर भी टाइप के भी बना हुआ है आप देख सकते हैं, और हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं अभी। बहुत सारे पुराने पुराने बोट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए पहले बहुत पहले यहाँ पर ये बोट सब पानी में चलते थे, ऐसे टाइप का बोट होता था पहले। और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई उतार कर ले गया है, उठा के ले गया है। और ये आप देख सकते हैं ये एक तरह का बोट है, आप पीछे फोटो भी देख सकते हैं उसका। ये सब मछुआरे के लिए बोट है। हाँ मछुआरे के लिए सब बोट है। और यहाँ पर और एक बोट था वो भी नहीं है, फोटो में भी नहीं है। और ये मुझे पता ही, किसका शादी होगा तो इसके अंदर बैठ के जाते होंगे। शादी वाला बोट। और आगे आप देख सकते हैं ये वाला बोट देख सकते हैं, उसका पिक्चर भी यहाँ पर है आप देख सकते हैं। ये वाला बोट घूमने के लिए बस और ये वाला बोट आप देख सकते हैं लुढ़क गया है ये बोट। ये अगर इस पे जाना होगा ना तो आपको डेरिंग बस होना पड़ेगा। ये बहुत पुराना बोट है, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे बैठ कर जाते थे पहले, चार चार जन यहाँ पर बैठ कर जा रहे हैं। ये देखिए कैसे कॉटरी टाइप का हो रहा है। और ये तो बहुत आप फिल्मों में देख चुके हैं, ये देखिए मछुआरे वहाँ पर देखे कैसे इस बोट में बैठ कर मछली पकड़ रहे हैं। और आप यह बोट देख सकते हैं तो फिल्म में तो उसको बांबू जोड़ कर और ये देखिए आप बहुत सारे जो साउथ के मूवी में आप देखेंगे ऐसा बड़ा वाला जो रेस होता है वहाँ पर, इसमें ये तो बहुत छोटा है लेकिन वो बहुत, हाँ बाकी फिल्म में देखा होगा। और आप शिकार जैसा मूवी। और यहाँ पर बहुत पुराना ट्रक भी है आप देख सकते हैं, इसका टायर क्या हालत देखिए, उसके बाद आप पहचान जाओगे कितना पुराना ये ट्रक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेयरिंग भी है वहाँ पर, और ये रहा इसका मोटर और घोड़ा बैठने दे रहा है। यहाँ पर दो दो ट्रक है आप देख सकते हैं, एक आगे से खड़ा है एक पीछे से खड़ा है, और ये दोनों यहाँ पर दो ट्रक को देख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर हम अंदर चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बाहर जो बड़ा वाला क्या था टावर था वो ऐसा दिखता था पहले, लाइट हाउस था वो वहाँ पर, लेकिन अब वो टूट चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये है हमारा उड़ीसा का मैप।
और ये तो हमारा कटक बारा बटे, कटक बारा बटे सब सब फेमस, मेरा फेमस होगा। ये हमारे डेली प्लेस है, चाय पीने जाते हैं। और आगे सबको जाना है, एक ना एक सबको जाना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, यहाँ पर उडेन का एक प्लेटफॉर्म बना है आप, और यहाँ पर एक बोट का शेप भी दे चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर फोटोशूट के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, लेकिन बस लाइट की कमी है। एक बोट का शेप यहाँ पर दे चुके हैं, और यहाँ पर बस पानी की कमी है, तो पूरा पूरा बोट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर बहुत बड़ा कारखाना है, यहाँ पर ही सारे जो बोट से पहले के ज़माने में बनते थे, और यहाँ पर देखते हैं कितने बड़े बड़े मशीन यहाँ पर है, और असली वर्कर जैसा काम कर रहे हैं वैसा ही दिखाया गया है यहाँ पर। तो गाइस हम म्यूज़ियम से तो आ चुके थे, लेकिन फिर गए थे कुछ खाने के लिए, एक बाहुबली रोल खाने के लिए गए थे, और वहाँ पर भी शूट किया था मैंने, लेकिन क्या हुआ ना वहाँ पर, मतलब मेरा माइक जो है वो फिर से ख़राब हो चुका था, तो इतना कुछ जो जो बोला था वो तो आपको नहीं सुनाई देगा, लेकिन कुछ कुछ शॉट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा है वहाँ पर बाहुबली रोल, हम गए थे देवली शाही स्क्वायर, हमारा कटक में है एक देवली शाही स्क्वायर, वहाँ पर हम गए थे, और उस रेस्टोरेंट का, रेस्टोरेंट नहीं, एक फास्ट फूड का शॉप है वहाँ पर, वेज ओनली वहाँ पर मिलता है, दीप्ति फास्ट फूड। तो वहाँ पर हम गए थे, वहाँ पर सारे तरफ से रोल, बिरयानी हो गया, अपना चाउमीन हो गया, सारे तरफ से वेज ओनली मिलता है वहाँ पर। आप अभी आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, ये रहा वो जो फास्ट फूड कॉर्नर, ओनली वेज कॉर्नर है, और ये आपके स्क्रीन के सामने आप देख ही पा रहे होंगे, ये है ये जो बाहुबली रोल। हम वहाँ से घर पर आ गए थे, घर पर ही आपको देख सकते हैं, ये है बाहुबली रोल, उसके अंदर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है बाहुबली रोल के अंदर का जो, मतलब मसाला जो है वो है। तो गाइस ये था आज का हमारा ये डिनर, और अब यहाँ पर रात हो चुका है, और मेरा माइक तो ख़राब हो चुका है, और एक नया लाना पड़ेगा। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, बहुत बड़ा ब्लॉग हो चुका है, आपको मैं इसलिए इतना बड़ा बनाया कि पिछले वाले ब्लॉग बहुत छोटा हो गया था, और इसीलिए मैं ये वाले ब्लॉग बहुत बड़ा बना रहा हूँ। तो गाइस चलिए चलते हैं, अगली किसी ब्लॉग में मिलेंगे, मतलब परसों वाले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।